अपराधी ने पुरानी रंजिश में वकील पर हमला करके चैन लूट ली है। यह वारदात सोमवार की शाम जिला अदालत परिसर के पास हुई। इस मामले में आरोपी मुश्ताक अहमद उर्फ मुन्ना पटेल बताया जा रहा है, जहां मुन्ना के खिलाफ हफ्ता वसूली, छेड़खानी, हमले सहित कई मामले दर्ज है। जब बताया जा रहा है वह खुद को पत्रकार बताता है। दरअसल गिट्टी खदान निवासी 42 वर्षीय वकील शहबाज सिद्दीकी वकील है, जहां मुन्ना को संदेह था कि उसके पीड़ित लोगों को सिद्दीकी ने मामले दर्ज कराने में मदद की है। इस वजह से वह सिद्दीकी से रंजिश रखता था। सोमवार की शाम 5 बजे सिद्दीकी के साथी वकील राकेश दाउधरिया और अन्य के साथ जिला अदालत परिसर के पास चाय पी रहे थे। उसी वक्त मुन्ना ने वहां आकर तो उन्हें मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज कराए हैं, पीड़ितों की मदद की है, उनमें मुझे काफी खर्चा लगा है, यह खर्चा मुझे दे बोलकर धमकाने लगा। इनकार करने पर मुन्ना ने सिद्दीकी के गले से चेन खींच ली। उसके नाखून से सिद्दीकी को चोट भी आ गई। सिद्दीकी के आगे बढ़ते ही मुन्ना जेब से धारदार वस्तु निकालकर लहराने लगा। अधिवक्ता दाउधरिया ने मुन्ना को पीछे से पकड़ लिया, दूसरे वकील भी दौड़े और यह देखकर मुन्ना फरार हो गया। सिद्दीकी ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खोजबीन करके मंगलवार शाम उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुन्ना के खिलाफ लूट तथा धमकाने का मामला दर्ज किया है। मुन्ना के सरकारी कार्यालय में आतंक है, वह खुद को पत्रकार बताकर उगाही करता है। रुपए नहीं देने पर उसने लोक निर्माण विभाग की एक महिला अधिकारी पर कैबिन में घुसकर हमला भी कर दिया था। वह वॉकर स्ट्रीट पर महिलाओं के आपत्तिजनक क्लिपिंग बनाने के लिए भी पुलिस के रडार पर आया था। वो होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों से भी उगाही करता है। हाँ, काल संध्याकाळी शहबाज सिद्दीकी राहणार जफरनगर यांनी एक लेखी तक्रार दिली का तो आणि त्याचे मित्र उभे असताना मुन्ना उर्फ मुश्ताक पटेल हा तिथे आला आणि त्याने काही कारण नसताना याच्याशी भांडण केलं आणि त्याला मारहाण केली आणि त्या मारहाणीतच त्याने त्याची चेन सोन्याची चेन 4 तोळ्याची धुन पडून गेला। वरून पोलीस स्टेशन सदर येथे कलम 394 गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये पुढील तपास सुरू आहे। फिर्यादी आणि आरोपी एकमेकाला ओळखतात, कारण की त्यांनी नावानिशी तक्रार दिलेली आहे आणि पुढील तपासमध्ये अजून डिटेल्स येईल, पण साक्षीदाराचे जे बयान आहे त्यानुसार तरी सदरचा घटनेचा प्रकार झालेला आहे असं प्राथमिक आमच्या तपासात निष्पन्न झालेलं आहे। फिर्यादीचं त्यांचं जुनी ओळख होती आणि फिर्यादीला याने म्हटलं की तुम्ही मेरे को बहुत सारे केसेस में फसाया है तो उसका खर्चा मेरे को लगेगा असं म्हणून या कारणावरून त्यांचा वादविवाद सुरू झाला। त्यांनी तर आपलं नाव ऍडव्होकेट आहे असं सांगितलं होते। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।